तो दोस्तों कि आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हो और एक नई गाड़ी भी खरीदना चाहते हो और उस नई गाड़ी में आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हो, माँ कसम भाई ये गलती आप जिंदगी भी मेहनत करिएगा दोस्तों, इस गलती से आपको लाखों की नुकसान भी हो सकती है और आपकी जान भी जा सकती है। तो दोस्तों ये मैं आशा करूँगा कि आप लोग ऐसे गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आज आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊँगा कि आप लोग कौन कौन सी गाड़ी में आप गाड़ी चलाओ। तो दोस्तों अगर मान लो आप 10-15 लाख रुपए खर्च करके दोस्तों आप एक गाड़ी खरीदते हो और उसमें अगर कोई आप गाड़ी चलाने के वक्त अगर कोई आप ठोक देते हो, तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अफ्रीका में एक स्टडी हुआ है दोस्तों, उसमें पता चल दोस्तों 90% ऑफ द ड्राइवर अपने गाड़ी ठोकते हैं जब चलाना सीखते हैं। दोस्तों मान लो आप एक BMW खरीद लेते हो 60-70 लाख रुपये में, और अगर आप छोटा मोटा स्क्रैच भी आ जाता है तो आप लोग समझ ही सकते होंगे कितना ज़्यादा मन में पीड़ा होगा। मन में पीड़ा तो दूर की बात दोस्तों, आपको कितना ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा उस गाड़ी के ऊपर। और नए गाड़ी में भाई डेंट स्क्रैच ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता दोस्तों, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों आपका बेस्ट होगा दोस्तों आप एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद लो और उसमें आप गाड़ी चलाना सीख लो। दोस्तों यही मैं बात करने वाला हूँ कि आप लोग कौन कौन सी गाड़ी खरीदना चाहिए जिसमें आप लोग आराम से ड्राइविंग चलाना सीख सकते हो। और आप लोग मनी मन सोच रहे हैं कि भाई करे तो करे क्या, गाड़ी चलाना किसमें सीखे भाई क्या करे, तो दोस्तों यही मैं सोल्यूशन लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो दोस्तों अगर मैं वीडियो में जो भी बताने वाला हूँ आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को तरफ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट बताता हूँ दोस्तों, अगर आप एक नई बड़ी गाड़ी खरीद लेते हैं दोस्तों उसमें आपको डायनामिक्स समझने में आपको 10-15 दिन लग जाएंगे अगर आप नया ड्राइवर हो। तो दोस्तों उस गाड़ी में आपको बहुत ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि बड़े गाड़ी में आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको ये ठोक दे। दोस्तों इससे अच्छा आप एक स्टेप नीचे आ जाइए, आप एक छोटी गाड़ी खरीद लीजिए। तो जो छोटी गाड़ी में आप बोलेंगे कि बहुत ही सारे गाड़ी आती है, नेक्सोन आती है, ये आती है वगैरह वगैरह सब गाड़ी आती है। तो दोस्तों उससे भी एक स्टेप नीचे आइए दोस्तों, उससे एक स्टेप नीचे मिलती है दोस्तों एल्टो, क्विड, सेंट्रो वगैरह। तो दोस्तों आप लोग मेरे को गाली देने वाले हो कि भाई मैं क्या पागल हूँ जो 4 लाख रुपए में खर्च करके मैं गाड़ी चलाना सीखूंगा, मैं क्या अंबानी का बोल ओला दूँ। तो नहीं दोस्तों, आप लोग को नई गाड़ी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग सेकेंड हैंड मार्केट में जाइए और आप लोग 1-1.5 लाख रुपये में अच्छा सा गाड़ी देख के आपको उठा लेना है। तो मैं आपको बताऊंगा क्या करना है उसका आगे। मैंने एक L2 उठा दिया दोस्तों, L2 में आप सीख रहे हो तो उसमें आपको इकोनॉमी भी पड़ेगी क्योंकि दोस्तों उसमें आपको 27-28 की KMPH के माइलेज देख लेगा दोस्तों। अगर एक न्यू ड्राइवर हो तो आपका माइलेज जो नॉर्मल ड्राइवर उसे आपका माइलेज बहुत ही कम आएगा। तो ये एक फैक्ट है दोस्तों और ये सभी के साथ होता है। तो अगर आप एक BMW खरीद लो उसमें भी आपको पेट्रोल के बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो जाएगा आप सीखते सीखते, और ठोकने का बात तो अलग है भाई, वो तो मैं भाई बता ही चुका हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों आप लोगों को एल्टो या क्विड ऐसा गाड़ी, आपको छोटा सा गाड़ी आपको 70-80-90 जब मैक्स टू मैक्स आपको 1.5 लाख के अंदर गाड़ी मिल जाएगी और उसमें आप आराम से सीखिएगा। मतलब मैं बता रहा हूँ आप लोग सैंड में लाके पूरा एकदम ड्रिफ्ट मार के ऐसा आप सीख लो आराम से। और सीखने के बाद दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि दोस्तों एल्टो की रीसेल वैल्यू कितनी है। तो एल्टो आप लोग अगर 150 या 160 में अगर उठा देते हो तो ये आराम से 130-140 में आपको आग बंद करके निकल जाएगी, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों मारुति एल्टो इन सब गाड़ियों की भाई रूरल एरिया में बहुत ही ज़्यादा नीड होती है और लोग पागलों की तरह ये इन सब गाड़ियों को खोजते हैं। तो आपको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों, आप बेझिझक इन गाड़ियों को उठाओ, गाड़ी चलाना सीखो और अच्छे से गाड़ी चलाना सीखो। यही मैं भगवान से दुआ करता हूँ, आप लोग कोई बहुत आराम से गाड़ी चलाओ यार और मस्त रहो और एक न्यू गाड़ी खरीदो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।